ओम शांति। हम प्रतिदिन एक वरदान का मंथन करते हैं। आज है वरदान का मंथन 16। वाणी के साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवा थारी। वाणी से किसी को आप समझा रहे हैं, तो उस समय आपकी वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा कर। आपकी वृत्ति इतनी श्रेष्ठ हो कि वो चारों तरफ का जो वातावरण बने वो भी कहना अच्छा। हमारी वृत्ति जितनी श्रेष्ठ हो उसके वाइब्रेशन चारों तरफ जितने अच्छे फैलेंगे वो उतनी सेवा फिर क्या होगी। वाणी से तो सेवा कर रहे हो परंतु वृत्ति में भी आपके देना क्या हो, सेवा का रूहानी वाइब्रेशन। जैसे वाणी द्वारा सेवा करते हो ऐसे वाणी के साथ वृत्ति द्वारा सेवा करो तो फास्ट, क्योंकि बोल तो समय पर भूल जाते हैं लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि पर छाप लगता है। शब्द भूल जाएंगे परंतु जो आपका व्यवहार था वो व्यवहार उनकी बुद्धि पर एक छाप लग जाती है। तो ये सेवा करने के लिए वृत्ति में किसी के लिए भी इसी के लिए भी व्यर्थ वाइब्रेशंस ना। उस समय किसी को देखकर आपके व्यर्थ वाइब्रेशंस चले या नेगेटिव संकल्प चले तो वो भी उस वातावरण को क्या कर देंगे, उसका प्रभाव आपके वाणी के भी प्रभाव को विषैला। व्यर्थ वाइब्रेशंस रूहानी वाइब्रेशंस के आगे एक दीवार बन जाती है, इसलिए मन बुद्धि को व्यर्थ वाइब्रेशंस से मुक्त रखो तब डबल सेवा कर सके मतलब व्यर्थ के विचार चल रहे हों, व्यर्थ के बातें चल रही हों, व्यर्थ के ख्याल चल रहे हों, आपके शब्दों में वो ताकत नहीं आएगी बाबा के शब्द वही बोल रहा है। बहुत सारे हम सुनते हैं कि दादियां वही तो बता रही हैं जो हम बता रहे हैं, तो दादियों का असर ज्यादा है हमारा क्यों नहीं, क्योंकि उनके अंदर बाहर ही हमारे बाहर कुछ अंदर मतलब वृत्ति है हमारी आंतरिक पर्सनैलिटी और वाणी है हमारी बाह्य पर्सनैलिटी, ये दोनों एक जैसी हैं तब सामने वाले पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा कोई शांति और विस्तार से जानने के लिए प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692770 पर केवल व्हाट्सएप करें।